So hey everyone, welcome to CBR 2.0. And guys, my name is Rohan and I'm currently working as a Microsoft student partner. So guys, it's already been 5 to 6 months working as an MSP. So I think that I'm the right person to guide you how to become an MSP. So guys, मेरे से काफ़ी बार स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछे, मेरे कॉलेज में भी काफ़ी बार व्हाट्सएप भी किए, वीडियोज़ पे भी कमेंट्स आए कि भाई भैया बताओ यार MSP कैसे बन सकते हैं, आप कैसे MSP बने, आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो यार यही सब डाउट्स हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट पार्टनर प्रोग्राम है क्या। तो माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट पार्टनर प्रोग्राम इज़ नॉट एन इंटर्नशिप, ठीक है। ये कोई इंटर्नशिप नहीं है, ये आप अपने दिमाग से निकाल दो कि यार ये कोई इंटर्नशिप है, आपको पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे ये है क्या एक्चुअल भाई, इट इज़ जस्ट अ कैंपस रिप्रेजेंटेटिव प्रोग्राम बाय माइक्रोसॉफ्ट, ताकि आप अपने सॉफ्ट स्किल्स और अपनी हार्ड स्किल्स को दोनों को ही इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हमारे पास आ जाएगा कि हम इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, आपको बस एक फॉर्म फिल करना होगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट पार्टनर की वेबसाइट पर भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप उस फॉर्म को खोलेंगे, उस फॉर्म में आपको कुछ सेक्शंस देखने को मिलेंगे, तो इन सेक्शंस को आपको ध्यान से और ढंग से भरना होगा, ठीक है। तो अब मैं इन सेक्शन के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ कि इन सेक्शन में आपको क्या कुछ दिया हुआ है। आप चाहो तो इस वीडियो को यहीं पॉज करके उस फॉर्म को खोल सकते हो, ठीक है। तो उस फॉर्म को खोलने के बाद तुम्हें कुछ सेक्शंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तुम्हारे पास आएगा प्राइवेसी एंड टर्म्स, इसमें कि कुछ हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग आएगा तुम्हारे पास इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो मिनिमम एज तुम्हारी इसमें अप्लाई करने के लिए होनी चाहिए 16 ईयर ओल्ड, एंड फर्दर तुम एक फुल टाइम स्टूडेंट हो कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में, ठीक है। नेक्स्ट थिंग तुम्हें इसमें फिल करनी होगी तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि तुम्हारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, जेंडर वगैरह, सिंपल इन्फॉर्मेशन है, आप फिल आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग आपके पास आएगा इसमें स्कूल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें आपको आपकी कॉलेज के बारे में फिल करना होगा, कॉलेज नेम, सिटी, स्टेट, कंट्री वगैरह, एंड फर्दर ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक। सो गाइस, नेक्स्ट सेक्शन जो आता है हमारे पास उसका नाम है वर्क सैंपल। सो गाइस, इस सेक्शन में हमारे पास बेसिकली तीन पार्ट है। पहला पार्ट है हमारे पास इंस्पायर, दूसरा हमारे पास टेक, और तीसरा हमारे पास प्रमोट, ठीक है। और हर पार्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फर्दर हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है इस फॉर्म में, जो करेंटली फॉर्म चल रहा है उसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि या तो आप टेक्स्ट की फॉर्म में आंसर दे सकते हो, या फिर आप वीडियो की फॉर्म में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। सो गाइस, जब मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, तो उस समय उसमें यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन में वीडियो देने के लिए पूछा था उन्होंने, पर यहाँ पे इनमें अभी जो करंटली जो फॉर्म चल रहा है, तो उसमें हर क्वेश्चन में हमें वीडियो का ऑप्शन है, ठीक है। तो या तो आप उसका टेक्स्ट की फॉर्म में आंसर दे सकते हैं, या फिर आप उसका वीडियो की फॉर्म में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। सो पर मिनिमम आपको इन तीनों में से किसी एक क्वेश्चन में वीडियो तो बनानी पड़ेगी, ठीक है। एटलीस्ट वन वीडियो तो आपको बनानी ही पड़ेगी, मैक्सिमम आपके डिपेंड करता है कि आप चाहे दो में बनाएं, चाहे आप तीन में बनाएं, ठीक है। सो गाइस, अब बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चंस की। तो पहला हमारे पास इंस्पायर सेक्शन में जो क्वेश्चन है, उसके अंदर हमें दिया हुआ है कि व्हाट एक्साइट यू अबाउट टेक्नोलॉजी एंड व्हाई यू वांट टू हेल्प अदर स्टूडेंट्स एक्सप्लोर एंड लर्न, ठीक है। सो गाइस, मैं तुम्हें अगर मैं इसका सैंपल आंसर दूं, वैसे तो सब कुछ तुम्हारे पर्सनल ओपिनियन पर डिपेंड करता है, पर अगर मैं इसका सैंपल आंसर दूं, तो तुम क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन में। तुम बता सकते हो फॉर एग्जांपल कि मुझे गेम खेलना बहुत पसंद है, ठीक है। तो मुझे गेम खेलना बहुत पसंद है, जिसकी वजह से मेरा टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो फर्दर जैसे कि और अदर स्टूडेंट्स हैं या फिर मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ या फिर कैसे उनको सिखा सकता हूँ। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि मैं अपने ऐप बना सकता हूँ, ऐप बनाना चाहता हूँ, ठीक है। या फिर मैंने ऐप बना रखा है, उसके अंदर मैंने गेम डाला है, जिसकी हेल्प से लोग कोडिंग सीख सकते हैं, जिसकी हेल्प से लोग प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार के तुम मतलब इस क्वेश्चन में आंसर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास क्वेश्चन जो आएगा उसमें हमारे पास है हाउ वुड यू टेक अ टेक्निकल कॉन्सेप्ट एंड टीच इट टू अ फ्रेंड और पीर दैट हैज नेवर हर्ड ऑफ इट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि इस क्वेश्चन में आप ये मानो कि आपको आपके पेरेंट्स को, ठीक है, कोडिंग के बारे में समझाना है, आपको आपके वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझाना है। फॉर एग्जांपल देयर इज अ वेरिएबल int x और उसमें आपको 10 स्कोर करवाना है, ठीक है। तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो वेरिएबल x आप फॉर एग्जांपल इस बॉक्स को मान सकते हो, फॉर एग्जांपल दिस इज अ बॉक्स, दिस इज अ वेरिएबल x, और ये हमारे पास कोई इंटीजर है, ठीक है। ये जो वेरिएबल, ये बॉक्स है, ये सिर्फ पेन मतलब कि पेन टाइप वैल्यू ही स्टोर कर सकता है। मतलब कि इसमें हम जैसे पेन हो गया, ये भी पेन हो गया,
तो पेन के तरह की वैल्यू ही स्टोर करा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये सीजर नहीं करा सकते, ठीक है। सो अगर आपको आपके पेरेंट्स को ये कॉन्सेप्ट समझाना है तो आप कह सकते हो कि देखो ये एक बॉक्स है जिसमें कि हम सिर्फ पेन रख सकते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हमने ये वेरिएबल यहाँ पर रख दिया, ठीक है। और फर्दर अगर हम इसकी वैल्यू चेंज करा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्स, अभी हमने आई एन टी एक्स इक्वल टू 10 स्टोर किया था, अब मैं चाहता हूँ कि 20 स्टोर कराऊँ, तो पहले मैं इसको निकाल दूंगा और यहाँ पे मैं यहाँ पे ये जो 20 है यहाँ पे स्टोर करा दूंगा। तो इस तरीके से आप बॉक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करके वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं अपने पेरेंट्स को, ठीक है। सो गाइज ये कुछ क्वेश्चन के आंसर था, सैम्पल आंसर था कि इस फॉर्म में आप यहाँ पे लिख सकते हैं और समझा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास की प्रमोट का, ठीक है, इफ यू आर होस्टिंग एन इवेंट एंड एट योर स्कूल एंड हाउ वुड यू गेट स्टूडेंट टू अटेंड, ठीक है, तो आप कैसे स्टूडेंट को अटेंड करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। सो इसका आंसर कुछ आप इस तरीके से लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई प्री इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उससे पहले आप प्री वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो ऑनलाइन हो सकती है, ठीक है। ऑनलाइन आपने एक शॉर्ट क्विज ऑर्गेनाइज कर दिया जिसके अंदर आपने एक्सप्लेन कर दिया कि यार देखो कुछ ऐसा कुछ होने वाला है, कोई आपने कोई पोस्टर बना दिया, कोई आपने कुछ लिंक शेयर किया जिसमें कोई HTML पेज आ गया, कोई एक्साइटिंग सा कुछ पॉपअप आ गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने इवेंट को प्रमोट कर सकते हैं, या फिर आप अपने कॉलेज में पोस्टर्स लगा सकते हैं, व्हाट्सएप पे पोस्ट शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे पोस्ट शेयर कर सकते हैं। सो गाइज ये कुछ सैम्पल आंसर्स हैं, इस फॉर्म में आप यहाँ पे आंसर करेंगे तो आई थिंक दैट इट विल बी गुड, ठीक है। सो इसके बाद तुम्हारे पास आएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन, जिसमें कि आपको आपके जितने भी आपने अभी तक काम किया है, कोई टेक्निकल ब्लॉग लिखा है, या फिर आपकी कोई वेबसाइट है, या आपको रिज्यूमे बनाया हुआ है, लिंक्डइन प्रोफाइल, इंस्टाग्राम अकाउंट, गिटहब रिपोजिटरी, या फिर खुद का कोई टेक्निकल ब्लॉग साइट है, मतलब जो भी है उसका लिंक आप यहाँ पे दे सकते हैं इस सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास आएगा टेक्निकल स्किल्स, ठीक है। टेक्निकल स्किल्स का मतलब जो भी आपको अभी तक आपने सीखा है तो उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और फर्दर आपको कोई कुछ और चीज़ शेयर करनी है तो आप यहाँ पे नीचे जो ब्लैंक सेक्शन है उसमें लिख सकते हैं। सो गाइस ये था कंप्लीट फॉर्म, इन दिस वे यू कैन फिल द माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट पार्टनर एप्लीकेशन। अब हम बात करते हैं लेवल्स के बारे में कि यहाँ पे हमारे पास MSP में कितने लेवल होते हैं। सो MSP में हमारे पास बेसिकली चार लेवल होते हैं, पहला होता है Alpha 1, ठीक है, या फिर तुम माइलस्टोन कह सकते हो कि आपको ये सब कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। पहला माइलस्टोन हो गया हमारे पास Alpha 1, दूसरा हो गया हमारे पास Alpha 2, तीसरा हो गया हमारे पास बीटा, एंड चौथा हो गया हमारे पास गोल्ड, ठीक है। Alpha 1 से Alpha 2 जाने का प्रोसेस होता है, Alpha 2 से बीटा जाने का प्रोसेस होता है, और बीटा से गोल्ड जाने का भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस था जो कि अगर आप सेलेक्ट होंगे तो आपको आसानी से मतलब मिल जाएगा, ठीक है। फर्दर अगर आप चाहते हो कि क्या कुछ बेनिफिट्स हमें देखने को मिलेंगे, सो गाइज अगर आप Alpha 1 स्टेज पे होते हैं तो आपको Office 365 मिल जाएगा, उसका आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा फॉर 1 ईयर, एंड फर्दर आपको Snagit एंड Camtasia वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग अगर आप बीटा लेवल तक अगर आप Alpha 2 पहुंचते हैं तो आपके पास बेसिकली विजुअल स्टूडियो एंटरप्राइज का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपको Azure के क्रेडिट्स, Azure DevOps वगैरह और भी बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज आएगा हमारे पास कि अगर आप बीटा पे पहुंचते हैं तो आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और इवेंट में आप सबवे कैटरिंग को भी ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज ये था कुछ बेनिफिट्स अगर आप MSP के में सिलेक्ट होते हैं, और अगर आप इन फर्दर माइलस्टोन्स को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सो गाइज आई थिंक कि आपको अब तो सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं जो कि मैंने अप्लाई करते समय यूज़ की थी, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ पर जाके उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। फर्दर अगर आप चाहते हैं कि व्लॉग देखना, ठीक है, तो मैंने कुछ माइक्रोसॉफ्ट के इवेंट्स होते रहते हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट मीटअप होता है एक, और फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट का इंडिया समिट होता है, इंटरनेशनल समिट होता है, तो उनके व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी तक मैंने माइक्रोसॉफ्ट मीटअप का व्लॉग ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। फर्दर अभी इंडिया समिट होने वाली है, और इंटरनेशनल समिट में अगर मैं सेलेक्ट हुआ तो फर्दर उसका भी व्लॉग बनाऊंगा, और तो मैं दिखाऊंगा कि देखो यार माइक्रोसॉफ्ट के इवेंट्स कितने एक्साइटिंग और कितने मजेदार होते हैं, ठीक है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आई थिंक कि सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, बहुत सारे टेक्निकल व्लॉग्स और टेक्निकल स्टफ देखने को मिलता रहता है। सो गाइज आई थिंक कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर लो यार। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग CBR।